कश्मीर से अनुच्छेद 370 की बहाली के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस ने कभी भी जम्मू कश्मीर में 370 को बहाल करने की बात नहीं की। खड़गे ने ये बातें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस दावे के विरोध में कही जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को फिर से लागू करने का इरादा रखती है। हर जगह अमित शाह बोलते हैं, कांग्रेस हमेशा झूठ बोलती है, कांग्रेस 370 को पुनः लाना चाहती, ऐसी चीजें आप बोलते हो जो अब ऑलरेडी पार्लियामेंट में पास हुआ है। यू वॉन्ट टू कीप इट अलाइव सच इश्यूज टू डिवाइड द। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह अपनी रैलियों में कांग्रेस पर 370 के मुद्दे को लेकर सियासत करने का आरोप लगाते रहे। कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव किया कि धारा 370 वापिस लानी चाहिए। राहुल बाबा आपको क्या, आपकी चौथी पीढ़ी भी आएगी, धारा 370 वापिस नहीं। खड़गे का कहना था कि जब कानून संसद से पास हो गया है तो 370 को लेकर बयानबाजी क्यों की जा रही है। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।